गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज वी नो दट आर चैप्टर दट इजल्स इज गोइंग ऑन एंड वी हैव टू डू फोर थियोरम्स एंड द फर्स्ट टू एक्सरसाइज ऑफ दिसल्स वी हैव डन ऑलरेडी द फर्स्ट थियोरम दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरम ऑफ दिस चैप्टर बीपीटी बेसिक प्रोफेशनैलिटी थियोरम एंड ऑल्सो कॉल्ड एज थे थियोरम तो उसमें क्या था बेटा बीपीटी में बीपीटी की हमारी जो स्टेटमेंट थीर टू वन साइडंगल एंड दट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डिस्टिंग पॉइंट्स एंड द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोशन ये बेसिक हमारी स्टेटमेंट थी किसकी बीपीटी की कि इसका प्रूफ हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था अब इस वीडियो में हम एक और थियोरम करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका रिजल्ट आप सिक्स या सेवन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो थ्योरम कौन सी हमारी पायथगोरस थियोरम अब इसकी स्टेटमेंट देखिए पाथोगोरस थियोरम क्या होती है पायथोगोस हमारे एक मैथमेटिशियन थे इन्होंने थ्योरम दी थी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्र ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल द स्क्वाइपोटेनियज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्यर्स ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो भैया हम पहले क्या करेंगे एक रैट एंगल ट्रा एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से हमने एक रेट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी विच इज राइट एंगल डेट बी राइट एंगल क्या है ये बी पे है तो गिवन क्या है इसमें हमारा ए बी सी

बीसी स्क्वायर दिस इज वट वी हैव टू प्रूव इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अब कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा क्या होगी कंस्ट्रक्शन इज दैट वी विल ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी एक हम ये परपेंडिकुलर यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज पॉइंट डी दिस इज द परपेंडिकुलर विच वी हैव ड्रॉन बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी नाउ प्रूफ टू ट्राइंगल्स दैट इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी ए डी बी सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया पूरा ट्राइंगल लिया ए बी सी और दूसरा दिस कंप्लीट होल ट्राइंगल एंड दिस स्मॉल ट्राइंगल ए डी बी तो देखिए हमने इसमें पूरे एंगल बी को हमने क्या दे दिया है वन देन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री दिस इज एंगल टू एंड दिस इज एंगल थ्री अब इसमें देखिए बेटा क्या है इन दो ट्रा में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन देन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री इन ट्रगल ए डी बी ए डी बी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री दैट इज ईच नाइंटी डिग्री तो हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल के अंदर हमारे दो एंगल्स क्या हो गए हैं इक्वल हो गए सो देआर फोर बाय ए सिमिलैरिटी वी कैन से ट्राइंगल ए बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी क्या हो गया है यहाँ से हमारा जो ट्राइंगल है ए डी बी वो सिमिलर हो गया है किसके ए बी सी के जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में होती है कैसे लिखेंगे हम ए बी अपॉन ए डी दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इन टू ए डी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स तो देखो हमने क्या किया सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल कौन से कौन से लिए एक ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल लिया है ए बी सी और एक हमने छोटे वाला ट्राइंगल लिया है ए डी बी इन दोनों में हमने देखा कि एंगल ए एंगल ये हमारा कॉमन है और एंगल वन हमारा किसके इक्वल है एंगल थ्री के इक्वल है दोनों नाइन्टी डिग्री है नाइन्टी डिग्री कैसे हो गया भाई ये थ्री हमने इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रा करी है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी तो उसके बाद जब हमें पता लगा हमारा ए सिमिलैरिटी कंडीशन से दो तो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो मतलब उनकी साइड्स हमारी क्या हो गई प्रोपोर्शन हो गए ठीक है नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सिमिलरली यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी ए बी सी किसके और बी डी सी जो हमारे हैं वो बी आर ऑल्सो सिमिलर ए ए सिमिलैरिटी कंडीशन से कैसे हो जाएगा बेटा एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल सी दैट इज़ कॉमन एन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दैट इज नाइंटी डिग्री इच सो देर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी तो इनकी भी साइड हमारी प्रपोर्शन में हो जाएंगी और कैसे लिखेंगे हम ए सी अपॉन बी सी दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी और सी डी आप बोल सकते हो इसको डी सी अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी स्क्यर इज इक्वल टू ए सी इन टू सी डी एंड दैट इज इक्वेशन नंबर टू तो हमने क्या किया सबसे पहले एक बार बड़ा ट्राइंगल लिया और एक ये छोटा ट्राइंगल लिया फिर नेक्स्ट केस में अगेन हमने बड़ा ट्राइंगल लिया और एक ये सेकेंड छोटा ट्राइंगल लिया तो दो ट्राइंगल्स लिए हमने दोनों बार इनको सिमिलर प्रूव करे और इनकी साइड्स को हमने प्रोपोर्शन में लिख दिया एंड द रीजन विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन आ गई अब इनको ऐड कर दू एड फर्स्ट एंड फर्स्ट टू सेकेंड ही क्वेश्चन जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हैंड साइड में ऐड होगा एंड राइट हैंड साइड विल बी एडेड टू राइट हैंड साइड सो ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इज कॉमन क्या बच गया अगर ए डी प्लस सी डी सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अब आप देखिए ए डी प्लस सी डी ए डी प्लस सी डी पूरी मिलके आपकी क्या बनाएगी ए डी प्लस सी डी कंप्लीट विल मेक इट ए सी क्या बन जाएगा ए सी बन जाएगा सो ए बी स्क्वा प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई ए सी दैट इज ए सी स्क्र दैट इज ए सी स्क्वा तो क्या गया आ गया बेटा यहाँ पे हमारा ए सी स्क्वायर आ गया तो क्या हमने प्रूफ करा इसमें क्या हमें प्रूफ करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वेयर और यही हमने प्रूफ तो, hence, तो कर दिया तो हैं तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्यर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्स ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड क्या किया हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया राइट एंगल ट्राइंगल उसमें कंस्ट्रक्शन करी है हमने दैट इज बी डी पर टू ए सी देन वी हैव टेकन टू ट्राइंगल्स फर्स्ट केस में हमने कौन सा ट्रा लिया ए बी सी एंड ए डी बी टू एंगल्स Equal, so it means by a similarity conditions the triangles will be similar, and if the triangles are similar, then their sides can be written in the form of their proportions by the corresponding parts of the similar triangles. Then we have taken this triangle ABC and BDC, similarly, we can say that these are also similar, so again, we have written them in the form of the proportion. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दैन वी हैव एड इड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एंड वी गेट इट दट द स्क्र ऑफ द हाइपोटेनियोज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड दट इज ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर सो दिस इज द कम्प्लीट स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ पाइथोग थियोरम वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से इसको ध्यान से देखिए बेटा और कम से कम जैसा आपको पिछली बार वीडियो में भी बताया था एटलीस्ट यू हैव टू राइट दैम टू टाइम्स दो दो बार लिखकर देखने सारे थियोरम्स अच्छे से Okay, students, so do practice them till now. We have done the two theorems. Okay, thank you.